हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके पास पुराना एलईडी टीवी है और आप उस एलईडी टीवी को स्मार्ट एलईडी टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं? शाओमी कंपनी ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है और मार्केट में लॉन्च किया है 4K अल्ट्रा HD स्ट्रीमिंग प्लेयर डिवाइस, जिसका मॉडल है मी बॉक्स 4K। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ मी बॉक्स 4K डिवाइस का। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, इसकी डिटेल्स, और मैं आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस को आप एलईडी टीवी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोडक्ट की कंप्लीट डेमोंस्ट्रेशन की वीडियो शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पर प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। और इस बॉक्स के फ्रंट पे आप देख सकते हैं मी बॉक्स 4K लिखा है, जो कि एक 4K अल्ट्रा HD स्ट्रीमिंग प्लेयर है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं क्रोमकास्ट बिल्ट इन है एंड ये 4K अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और इसमें हमें मिलता है गूगल असिस्टेंट का फीचर। और ये डिवाइस कुछ इस तरह का दिखता है और पावर्ड बाई एंड्रॉयड TV। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स इस डिवाइस में प्रोवाइड किए गए हैं। इस डिवाइस की सेटअप बहुत इजी है और इसके लिए आपको सबसे पहले मी बॉक्स को टीवी के साथ HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रीमिंग। और इस बॉक्स में हमें मिलता है एक मी बॉक्स, ब्लूटूथ वॉयस रिमोट एंड एक HDMI केबल एंड 1 पावर एडाप्टर। और यह है इस बॉक्स की बैक साइड व्यू और यहाँ पे दी गई है अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। और सबसे पहले आप देख सकते हैं एंड्रॉयड TV की डिटेल्स दी गई है। ये आपके लेटेस्ट एंड्रॉयड TV पे रन करती है, जिसके अंदर हमें मिलता है गूगल असिस्टेंट एंड क्रोमकास्ट बिल्ट इन। मी TV बॉक्स 4K हमें एंड्रॉयड TV की सारी लेटेस्ट फीचर प्रोवाइड करती है। इस बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है 2GB DDR3 RAM एंड 8GB की स्टोरेज। और इसमें हमें मिलता है कोर्टेक्स A53 क्वाड कोर 64-bit CPU। और इसमें मिलता है हमें 4K का रिजोल्यूशन 3840x2160। और इसमें प्रोवाइड की गई है ब्लूटूथ 4.1। और यहाँ पे आप बॉक्स पे देख सकते हैं HDR10, जिसमें हमें मिलती है 4K अल्ट्रा HD की रिजोल्यूशन, जो अभी मैंने आपसे बताई, 64-bit क्वाड कोर CPU, गूगल असिस्टेंट एंड क्रोमकास्ट बिल्ट इन का फीचर प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हैं कुछ अदर डिटेल्स। और यहाँ पे आप बॉक्स की दूसरी साइड पे देख सकते हैं इसकी कुछ अदर डिटेल्स। इस प्रोडक्ट की MRP है 4,999 रुपीज़, और ये फ़िलहाल 3,499 रुपीज़ के प्राइस पे अवेलेबल है। आप इस प्रोडक्ट को अपने नज़दीकी MI स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं या इसे ऑनलाइन भी परचेज़ किया जा सकता है। मैं इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और आप उसे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स को जानने के बाद क्विकली से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या प्रोवाइड की गई है। मैं इस प्रोडक्ट को लास्ट 2 वीक से यूज़ कर रहा हूं और मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। ये है सारी यूनिट्स जो हमें अनबॉक्सिंग के बाद मिलती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें मिलता है एक ब्रोशर, और इसमें प्रोवाइड की गई है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स।
और ये है इस प्रोडक्ट का ब्लूटूथ वॉइस रिमोट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डेडिकेटेड बटन्स दी गई है नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो के लिए। और पावर बटन के नीचे आप एक गूगल असिस्टेंट का बटन देख सकते हैं जिससे आप वॉइस कमांड प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये है मी बॉक्स 4K डिवाइस, और ये एक हैंडी एंड लाइट वेट डिवाइस दिख रहा है। मुझे इस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी दिख रही है। और यहाँ पे आप इस बॉक्स की साइड पे देख सकते हैं अवेलेबल पोर्ट्स को। तो सबसे पहले हमें दिखता है ऑडियो पोर्ट। किसी भी एक्सटर्नल साउंड सिस्टम को इस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। और उसके बगल में आप देख सकते हैं HDMI पोर्ट दी गई है, और उसके बगल में हमें मिलता है USB पोर्ट, और उसके राइट साइड में हमें दिखता है पावर पोर्ट जिसमें AC एडाप्टर फिक्स होगी। और इस तरह से होल्ड करने के कारण आप इसके साइज़ को एज्यूम कर सकते हैं। और ये है HDMI केबल जो इस बॉक्स के साथ प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मी का लोगो। और ये है इस प्रोडक्ट का पावर एडाप्टर, इसकी पिन को आप देख सकते हैं। और इसकी आउटपुट है 5.2 वोल्ट 2.1 एम्पियर। तो आइए अब इसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स को जानने के बाद क्विकली इस बॉक्स को LED TV से कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पावर केबल को इस डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। और राइट साइड वाली जो पोर्ट है वो है पावर केबल के लिए, और कुछ इस तरह से आप इसे फिक्स कर दें। और उसके बाद दिए गए HDMI केबल के वन एंड को हमें इस बॉक्स के साथ फिक्स करना है, और उसके बाद जो दूसरी साइड है उसे हम LED के साथ फिक्स करेंगे। कुछ इस तरह से HDMI केबल को फिक्स कर दें। आपके LED TV में HDMI की पोर्ट अवेलेबल होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इस डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ इस तरह से इसे कनेक्ट कर दें, और कनेक्ट करने के बाद आप उस पोर्ट को सेलेक्ट कर लें LED TV से। और सेलेक्ट करने के बाद इसकी सेटअप स्टार्ट होगी। मैंने इसे ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मी बॉक्स 4K की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्स की वीडियो, और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।